रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे हैं। पुतिन की यात्रा सोवियत मंगोलिया सैनिकों की जापान पर संयुक्त जीत की 85वीं वर्षगांठ के चलते हो रही है। आपको बता दें कि मंगोलिया पहुंचते ही पुतिन की गिरफ्तारी की मांग तेजी हो गई है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी है। यूक्रेन ने भी पुतिन की गिरफ्तारी की बात कही है। दरअसल ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है और मंगोलिया इस कोर्ट का सदस्य देश है। पिछले साल पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC के किसी सदस्य से उनकी यह पहली मुलाकात थी। बता दें कि कोर्ट ने युद्ध अपराध के लिए यह वारंट जारी किया है। कोर्ट का मानना है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा के कारण उलानबटार में पुतिन के उतरने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और पश्चिमी देश के साथ अधिकार समूह की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रूसी नेता हेग स्थित अदालत में यूक्रेनी बच्चों के कथित अवैध निर्वासन के लिए वांछित है, क्योंकि रूसी सैनिकों ने 2022 में देश पर आक्रमण किया था। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन ने पुतिन की इस यात्रा पर रोष व्यक्त किया है। यूक्रेन ने इसी के साथ मंगोलिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जो कह रहा है उसका सीधा मतलब यही है कि वो पुतिन का युद्ध अपराधों के साथ दे रहा है, क्योंकि उसने पुतिन को हवाई अड्डे पर हिरासत में नहीं लिया। वारंट के अनुसार पुतिन को गिरफ्तार करना मंगोलिया की जिम्मेदारी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर वांछित रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने में मंगोलिया की विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून प्रणाली को एक गंभीर झटका दिया है। वहीं दूसरी ओर मंगोलिया की सरकार ने पुतिन को गिरफ्तार करने की कॉल पर कोई टिप्पणी नहीं की है। राष्ट्रपति उकनागिन खुरेलसुख के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इन खबरों का खंडन किया है और ICC ने एक पत्र भेजकर उनसे इनके दौरे का पैच और आईसीसी ने एक पत्र भेजकर उनसे उनके दौरे पर वारंट पर अमल करने के लिए कहा था। गौरतलब है कि पुतिन के ये किसी ICC सदस्य में पहला दौरा है, लेकिन मंगोलिया ने ICC की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति पुतिन ने इस्तकबाल में एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट स्वागत किया गया। पुतिन आराम से मुस्कुराते हुए जाते दिखे। बाद में उनको राज्य के सम्मान देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि यूक्रेन समेत पश्चिम के देश मंगोलिया से पुतिन को अरेस्ट करने की गुहार लगाते ही रह गए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको इसकी हम और अन्य जानकारी भी देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।